ना सो जाता और मेरे रसूल मुसल्ला बिछा के खड़े हो जाते। ओ यार, खेती बाड़ी करके नहीं, मेहनत मजदूरी करके नहीं। जनाब आयशा कहती है, मैं ये भी देखती कि हुजूर एक आयत शुरू करते तो सारी रात उसी को पढ़ते और मेरी नजर जाती तो कदम मुबारक पे वरम आ जाता। यार नमाज पढ़ पढ़ के, इतनी मुशक्कत करके, इतनी जद्दोजहद करके वरम आ गया। यार सुल्ला इतनी मेहनत क्यों करते हो? फरमाया फला कुन अब्दन शुकूरा, क्या मैं अपने रब का शुक्र गुजार बंदा ना बनू? सहाबा का जौक इबादतों का, रियाजतों का, तिलावतों का, तबीयतें उनकी, वो एक दूसरे को हजरत मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम के जमाने में रूम के बादशाह ने कहा, यार ये मुसलमानों का पता तो करो, ये आखिर क्यों इतने ज्यादा मुजाहिद हैं? उस जमाने में जासूस भेजने का मिजाज था, अब तो जासूस पकड़ा जाता है, अब तो जासूस है और जासूसी का शौक वैसे आज भी है। अर्ज करूं थोड़ी सी बात ही सुनवान से, पता है क्या हमारा मसला है? हम जहां जाते हैं ना वहां थोड़ी खुशबू सूंघने की कोशिश करते हैं, वो क्या है, तो ये क्या है, तो इधर क्या है, तो थोड़ा सा उधर क्या है। मेरे रसूल पाक पढ़िए दुरूद शरीफ, सारे पढ़िए जरा जोर से, सल्लल्लाहु तआला। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया जासूसी ना करना वरना तुम बंदों को खराब कर दो, और फरमाया इस तरह ना हो कि तुम किसी के अब खोल ना निकलो तो तुम्हारे पहले खोल जाए। ये जो शौक है ना ये खत्म करें, छोड़े मतलब आप किस चक्कर में पड़े हुए हैं? इतनी ज्यादा तवज्जो करने की क्या जरूरत है? ने काम से काम रखें, इसमें बंदा थोड़ा सा ना आसान रहता है। ये जो बहुत ज्यादा टटोलने वाले लोग होते हैं ना, वो बेचारे फिर उम्र टटोलते ही गुजार देते हैं, इसलिए कि मिजाज ही बहुत पक्का है। बोरी का मुंह खोल के अंदर तक आग डालना तो फिर कई दफा सामने से बिच्छू भी लड़ जाता, खराबी होती। तो जासूसी की जाती थी, उसने भी जासूस भेजे, क्योंकि कबीलों के लोग थे कुछ मुस्लिम कुछ काफिर, पहचाने नहीं जाते थे लोग, तो कुछ लोग उसने भेजे, उन्होंने आके ना तहकीक की, रिसर्च करी कि आखिर माजरा क्या है। तो वापस जाकर जो उन्होंने रिपोर्ट दी ना रूम के बादशाह को, उस रिपोर्ट का एक जुमला बड़ा शानदार है। वो कहने लगा, बादशाह हमें मुसलमानों की कोई समझ नहीं आई, हमें कोई समझ नहीं आई। उन्होंने कभी क्यों नहीं समझ आई? कहने लगे, यार अजीब बंदे हैं, जब रात मुसल्ले पे बैठते हैं तो यूं लगता है इनका दुनिया से रिश्ता ही कोई नहीं, कोई किसी को नहीं जानता, कोई अपने दुख सुना के रो रहा है, कोई अपनी बात करके रो रहा है, लगता है कि इनका कोई रिश्ता है ही नहीं जब मुसल्ले पे बैठते हैं। और फरमाया जब सवेरे ये जिहाद करने निकलते हैं तो लगता है इनसे ज्यादा दलेर ही कोई नहीं। हालांकि जो मुसल्लों पर रोने धोने के लोग होते हैं वो कई दफा जिहाद में काम नहीं करते, लेकिन अजीब लोग हैं कि रात के राहिब हैं दिन के मुजाहिद हैं, कोई समझ नहीं आती। मेरे अजीज, उन लोगों ने मुसल्ला आबाद करके रखा, तिलावतें उनका जौक रही, मंजर रोज पढ़ना, असबाक पढ़ना, वजायफ पढ़ना, ये उनका जौक रहा। आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह ने 1000 किताब लिखी है, लेकिन अल वजीफतुल करीमा के नाम से जो वो सुबह शाम वजायफ पढ़ते थे वो अलग उन्होंने उनको बयान किया, पाबंदी के साथ अपनी अल्लाह अल्लाह करते। शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह इस पर एक बंदे ने इतराज किया, उसने कहा, जी आप किस किस्म के सूफी हैं? मुरीद बैठे हैं और आप वहां नफल पढ़ रहे हैं? ये भी बड़ा मसला होता है ना, जो बंदा मिलने आता है वो अपने टाइम के हिसाब से आता है, और फिर उसका ये भी ख्याल होता है कि पीर साहब जो है वो चूंकि दरवेश हैं तो ना उन्हें रोटी खानी चाहिए ना सोना चाहिए, चूंकि वो दरवेश हैं और हम चूंकि दरवेशों के मानने वाले हैं, लिहाजा हमारा ये तरीका होना चाहिए कि जैसे हम कहें दरवेश वैसे ही कर जाए। हालांकि जिसको आप दरवेश कहेंगे आप उसकी मानेंगे, आप मनवाएंगे नहीं, हमारा मिजाज होता है। शेख शहाबुद्दीन पर लोगों ने इतराज की, हुजूर लोग मिलने आए हैं, जियारत करने आए हैं, बंदे दुआ कराने आए हैं, अल्लाह अल्लाह कराने आए और आप नफल पढ़ रहे हैं, क्या जुमला है, क्या हुसन है, क्या खूबसूरती है। फरमाने लगे, रब रसूल से मांगने के लिए मुसल्ला बिछाया है, अगर वहां से मांगूंगा नहीं तो तुम्हें दूंगा क्या? पहले मुझे कुछ ले तो लेने दो, अगर मेरे पल्ले कुछ है होगी तो आगे दूंगा ना, तो मैं मांगने गया था कि या अल्लाह दे तेरे बंदे लेने आए, दे तो मैं कुछ लूंगा तो आगे दूंगा ना। लेकिन हमारा ये स्टेटस, ये मिजाज, ये शऊर नहीं है। कप्पे, कहानियां, दास्ताने, गुफ्तगू, खिताबत, वाज, क्या बात। लेकिन अगर कुछ करने का काम हो तो गुनियम से होता। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुसल्ले से दिल लगाने का दर्स दिया, हुजूर ने तवज्जो दिलाई, सहाबा इस जौक के हामिल लोग थे, वो कोशिश करते थे। जनाबे सिद्दीक अकबर,
रदी अल्लाह ताला अन्हु का इबादत का मिजाज हमेशा कायम रहा। हजरत उमर फारूक सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े रहे। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु इशा की नमाज पढ़ के दो रकतों की नियत बांधते थे, 15 सिपारे पहली रकत में पढ़ देते थे और 15 सिपारे कुरान मजीद के दूसरी रकत में पढ़ देते। आपने ना हजरत उमर फारूक के विसाल के बाद उनकी एक बेवा से निकाह किया, हजरत उस्मान गनी ने निकाह किया। वो खातून आपके निकाह में आई तो अर्ज करने लगी, अमीरुल मोमिनीन मेरे लिए एजाज तो बहुत है कि मैं अमीरुल मोमिनीन की बेवा थी तो अमीरुल मोमिनीन की मनकूहा हो गई हूँ, लेकिन हुजूर न तो मैं जवान हूँ कि मेरे अंदर रगबत होती और ना मैं अब इस काबिल हूँ कि कोई खिदमत कर सकूं, मेरे साथ निकाह की वजह क्या बनी? तो उस्मान गनी रो पड़े, फरमाने लगे मैंने उमर फारूक को मस्जिद में देखा, अदल करते देखा, इंसाफ करते देखा, उम्मत की खैर खाई करते देखा। तुम्हारे साथ निकाह इसलिए किया है कि तुम मुझे ये बताओ कि उमर फारूक घर के अंदर अपने रब को कैसे राजी करते, घर के अंदर कैसे राजी करते थे, वो तरीके बतलाओ, तुम बताती जाना और मैं भी उसी तरह घर में इबादत करूं। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाने लगे जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है वो घर जिंदों का है और जिस घर में रब करीम का जिक्र नहीं होता वो घर जिंदों का नहीं है। घर ना हम ना किताबों में पढ़ते हैं कि एक बुजुर्ग कहते हैं, हजरत फजैल बिन अय्याज कहते हैं कि मैं एक गली से गुजर रहा था तो घर के अंदर किसी कारी साहब ने कुरान की आयत पढ़ दी, वाली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, मैं ते मेरे कानों से टकराई तो अल्लाह ने मेरी काया ही पलट दी, मैं तौबा कर गया। अब घर के अंदर से आवाज आए तो सही ना तिलावत की, पर अंदर से आवाज आती नहीं, या डेक बजने की आवाज आती है या टीवी चलने की आवाज आती है या धूम मचाने की आवाज आती है। इबादत का वो जो खास शौक था, वो जो हुस्न था, वो जो तवानाई थी, वो जो बात थी। एक जगह पे हम बैठे थे तो वहां एक साहब आए और उन्होंने आते ही कहा कि मेहरबानी करें जरा मुझे मसल्ला दे दें, मेरे ना कुछ नफल रह गए तो मैंने वुजू कर लिया तो कोई मसल्ला मिल जाए। मुसल्ला उन्हें दे दिया गया, वो मुसल्ला लेके चले गए तो पीछे एक साहब ने तबसरा किया, कहने लगे कितना रियाकार बंदा है, लोगों को दिखा रहा है कि मैं नफल पढ़ता हूं, है को बात करने वाली। मैंने उसे कहा, मैंने कहा तू मेहरबानी करना इस तरह की रियाकारी तू भी कर, पकड़ मुसल्ला और जा तू भी थोड़ी रियाकारी करके आ, उठ जरा शुक्र कर को ये रियाकार भी मिला है, कोई नफल पढ़ के रियाकारी कर रहा है। अल्लाह का मैं कहता हूं को पढ़े तो सही ना यार, ये कोई दौर है नफल पढ़ने का, इसमें तो लोगों का मिजाज ही नहीं, तबीयत ही नहीं। मैंने कहा चल मेहरबानी कर ये ले मुसल्ला और तू भी जा थोड़ी सी या रियाकारी करो तो सही ना, मिजाज ही नहीं, जोक। जुम्मे की नमाज पढ़ के यूं दुनिया भागती है, ओहो पता नहीं कौन सी पीछे आग थी जो बुझाई जाएगी। और आज तक लोग मसला पूछ रहे हैं कि जुम्मे की बाद वाली सुन्नतें कितनी होती हैं। मैंने कहा कितने साल हो गए जुम्मा पढ़ते, कितने साल हो गए, अभी तक सुन्नतों का नहीं पता, अभी तक नहीं इल्म के पहले कितनी रखते हैं और बाद में कितनी रखते हैं, फजर की सुन्नतें कब पढ़नी चाहिए, सुनो फजर की सुन्नतों के बारे में। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा था, हुजूर मेरी फजर की सुन्नतें रह गई या रह जाती हैं तो हुक्म क्या है, क्या अंदाज है हुजूर का? बुखारी मुस्लिम के लफ्ज सुनो, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, उसने क्या पूछा था, हुजूर जवाब क्या देते, फरमाया फजर की सुन्नतें कभी ना छोड़ना, फजर की पहली दो सुन्नतें कभी ना छोड़ना। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी रह गई या रह जाती हैं, फरमाया फजर की दो सुन्नतें ना छोड़ना, फरमाया फजर की पहली दो सुन्नतें मुझे दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है वो सबसे ज्यादा प्यारी है। फजर की दो सुन्नतें दुनिया और दुनिया में जो कुछ है मुझे वो सबसे ज्यादा प्यारी है, इसलिए फजर की सुन्नतें ना छोड़ना। अपना जौक, अपनी तबीयत, हमने ना जौक गलत बना लिया। अगर 20 बंदे कह भी देंगे तूने बड़ी शानदार तिलावत किया तो क्या उससे बनेगा, 100 बंदा कह भी दे तेरी क्या बात है, क्या बात है नाथ खां की, क्या बात है अल्लामा साहब की, पीर साहब की, पीर मेहरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप तशरीफ फरमाते तो आपके एक ही बेटे बाबूजी जिनको कहा जाता है, जिस दिन साहबजादे पैदा हुए तो खादम ना वहां से निकला, इन लोगों के शौक और तरह के थे ना तो इनकी तवज्जो भी अपने शौक की तरफ रहती, तो खादम निकला अंदर से, पीर साहब मुबारक हो, पीर साहब मुबारक हो, पीर साहब मुबारक हो, पीर साहब मुबारक हो, शोर कर रहे तो पीर साहब को वजद हो गया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह, वो क्या हुआ,
किस बात की मुबारक दे रहे हो? कि हुजूर अल्लाह ने बेटा दिया। तो आप फरमाने लगे, अच्छा हुजूर आप क्या हुआ, आप तो परेशान हो गए। फरमाने लगे, जब तूने तीन दफा कहा ना मेरे अली को मुबारक हो, तो मैं समझा था शायद तुझे किसी ने बता दिया है कि मेरे अली से अल्लाह राजी हो गया। मैं समझा था कि शायद तू ये खबर लेके आया है कि किसी ने बताया है कि मुझे आज खबर मिली है कि मेरे अली से रब अच्छा पुत्र हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। पर मेरे लिए मुबारक का दिन वो होगा जब मेरा रब कहेगा कि मैं मेहरे अली से राजी हूँ, मेरे महबूब कहेंगे कि मैं मेहरे अली से। आप बात को समझे, शौक ही किसी और तरफ था, दिल ही कहीं और लगा हुआ था, तबीयत ही कहीं और मायल थी। कोई वजीफा पूछते थे तो पढ़ते थे वो लोग, कुछ अल्लाह अल्लाह उन्हें बताई जाती थी तो करने का जौक रखते थे, तबीयत थी, कायल थे। हजरत रबी कहते हैं मैं बड़ी दूर से सफर करके गया हजरत अवैस करनी से मिलने, बड़ी दूर से, और जब मैं पहुंचा तो फजर का वक्त था। तो हजरत वैसे करने को मैंने पा लिया, तो वो नमाज पढ़ के ना कुरान शरीफ लेके बैठ गए। फरमाते इशराक चाश्त का वक्त हुआ तो नफलों की नियत बांध ली। मुहद्दिस इब्नुल जौजी ने लिखा है, फरमाते हैं फिर जब जवाल का वक्त हुआ तो मस्जिद में झाड़ू देने लग गए। जोर की नमाज पढ़ के तो असर की तैयारी तक वो मस्जिद में बैठे रहे। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो नमाज के इंतजार में बैठा हो वो नमाज ही में है, वो नमाज ही में है। फरमाया मेरी दुनिया, मेरी उम्मत की जो रहबानियत है ना, वो इतनी है कि नमाज का इंतजार करे, अजान के बाद नमाज का ये राहब है, ये इस वक्त छोड़ के बैठे हैं सारा कुछ। फरमाते हैं असर तक उन्होंने अल्लाह अल्लाह की, फिर मगरब तक की, शाह की नमाज हुई तो नमाज पढ़ी तो वो थक गए। अब मुझे वो फारिग हो, मुसल्ला छोड़े तो मैं मुलाकात करूं ना, ये आप हैरान ना हो कि इतनी देर बंदा कैसे अल्लाह अल्लाह कर, हमने की नहीं ना इसलिए हम परेशान हैं। जो आदि होते हैं वो कर भी लेते हैं वो ये काम। मेरी बात की समझ आ रही है? जब जाते हो किसी दफ्तर में तो 8 घंटे खड़े रह लेते हो ना, मजबूरी होती है तो खड़े रहा जा सकता है। पासपोर्ट के दफ्तर बोलिए, इमिग्रेशन की लाइनों में, और मैंने तो अम्बेसियों में बंदे 12-12 घंटे पहले जाके खड़े देखे, रह लेते हैं खड़े। तो अगर इन कामों के लिए रहा जाता है तो अल्लाह रसूल के लिए भी खड़े रहा जा सकता है। तो फरमाने लगे कि जब इशा की नमाज के बाद आखिर इंसान थे, थक गए, नींद का गलबा हुआ तो थोड़ी ऐसे आंख बंद हुई तो खुली तो रोने लगे। हजरत वैसे कर लिया, रो के कहने लगे मालिक मुझे गाफिल तो ना कर, अभी मैंने किया भी कुछ नहीं, दिन खत्म हो गया, कोई नफल नहीं, कोई अल्लाह अल्लाह नहीं, अल्लाह मुझे गाफिल ना कर, मेरी मदद फरमा। फरमाते हैं जब वो रोए तो मेरे साथ जो शख्स था मैंने कहा उठो चले। कहने लगे हुजूर मिलना नहीं, फरमाया जो मैं लेने आया था वो मुझे मिल गया, जो मैं इनसे सीखने आया था वो मुझे नसीब हो गया, अब और मैंने क्या लेना, खत्म हो गई बात, उठो चले। अल्लाह के बंदों ने हजरत रबिया बिन काब असलमी रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं, कहते हैं जब बनु कुरैज़ा और बनु नुज़ैर यहूदियों के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम ने जंग का ऐलान फरमाया तो वो दुश्मन हो गए। हमें खतरा था कि वो रात को कहीं महबूब को तकलीफ ना दें, तो कुछ लोग ना तलवारें लेके नबी पाक के दरवाजे पे पहरेदारी करते थे। गनमैन रखना हराम नहीं, अगर किसी को वाकई खतरा हो तो उसके लिए सुन्नत भी है। हजरत अलीउल मुर्तजा तलवार लेके हुजूर के घर का पहरा देते थे। हजरत रबिया बिन काब असलमी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रात मेरी ड्यूटी थी कि मैं हुजूर के घर का पहरा दूंगा, तो फरमाते हैं मैं बाहर सुन रहा था, सारी रात ही मेरे नबी पाक ने अल्लाह की तस्बीह पढ़ी, सारी रात, कभी तस्बीह, कभी तहलील, कभी तहमीद, कभी तकबीर, सारी रात। फरमाते हैं सारी रात हुजूर पढ़ते रहे और सारी रात ही मैं सुनता रहा, मुझे ऊंघ आ गई, मेरी आंख लग गई, हुजूर अभी पढ़ रहे थे, मैं थक के सो गया। और फरमाते हैं जब मेरी आंख दोबारा से खुली तो मेरे कानों में फिर कोई चीज गूंजी, तो मैंने कान लगाया तो मेरे हबीब अभी भी अल्लाह को याद कर रहे, सारी सारी रात हुजूर रब की इबादत करते। इसीलिए तो कहा या युहल मुसम्मिलु कुमिल लैला इल्ला कलीला, हबीब सारी रात तो ना जागा, थोड़ा आराम भी कर लिएगा। मेरे भाई अपना मुसल्ला, अपनी इबादत, अपने वज़ाइफ, अल्लाह अल्लाह जो आपने किसी से सीखी है उसको कभी कमजोर ना होने दें। शजरा शरीफ जो किसी बुजुर्ग से आप ले लेते हैं तो क्या रस्म है कोई, उस पर कुछ लिखा होता है, वो पढ़ने के लिए दिया जाता है, उस पर लिखा होता है कि ये अल्लाह अल्लाह आपने करनी है। सारी जिंदगी किसी स्कूल में दाखिल हो गए और वहां जाके आप निसाब ही ना पढ़ें, किताब ही ना खोलें तो पास हो जाएंगे?
वो कहते हैं मैं 20 साल जाता रहा, मिला कुछ नहीं, तो आपने लिया क्या है? एक इतनी सी किताब थी, उसको तो खोल के आप देख नहीं सके, उसके वज़ाइफ तक तो रसाई ना हुई, इसलिए कि अल्लाह अल्लाह करना मुश्किल है और तस्वीर खिंचाना ये आसान काम है। तो जो आसान है उस तरफ हमारी तवज्जो लगी रहती है और जो मुश्किल है उस तरफ हम ज़ौक पैदा नहीं करते। या अय्युह अन्नास उबुदु रब्बकुम, किसी को शरीक न बनाओ। व अंतुम तअलमून, और तुम जानते भी हो, तुम्हें खबर भी, तुम्हें पता है कि इबादत अल्लाह की करनी चाहिए, तुम्हें पता है कि नमाज पढ़नी चाहिए, तुम जानते हो कि नवाफिल अदा करनी चाहिए, तुम्हें पता है कि सजदे, आंखें बंद करके झूठ की जिंदगी जी के अपने साथ बददियानती करके धोखा दे के अपने आप को दाएं बाएं अपने आप को कहीं मसरूफ रख के कुछ वक्त जाया तो कर लेते हो, पर तुम्हें पता तो है ना कि इबादत अल्लाह की करनी, तुम्हें इसकी खबर है। फरमाया उस रब की, देखे ना, इंसान पर अगर कोई शख्स नेकी कर देता है, एहसान कर देता है, तो इंसान उसके सामने फिर गर्दन नहीं उठा सकता, यार ये मेरे मुश्किल वक्त का दोस्त है, इसने मेरे साथ नेकी की है, कभी भी गर्दन नहीं उठाएगा, झुका के रखेगा। तो अगर आम कोई नेकी कर दे तो उसके सामने इंसान कभी गर्दन नहीं उठाता, तो जो रब सारी नेमतें अता फरमाए, जो कहे कि तेरी तखलीक मैंने की, तुझसे पहलों को भी पैदा मैंने किया, तेरे लिए ज़मीन का बिछौना भी मैंने बिछाया, आसमान की छत भी मैंने लगाई, तेरे लिए ज़मीन से सारी अनाज को, फल को, खेतियों को निकाला भी तेरे लिए, अब तू इस तरह कर के तू मेरी इबादत कर, तू मेरी बारगाह में झुक जा। बहुत सारे नशे लोगों को लगे हुए होते हैं, हर आदमी कोई ना कोई नशा करता है, कोई दौलत का करता है, कोई शोहरत का करता है, कोई अपनी तारीफ का नशा करता है, दो चार लोगों से तारीफ सुन के मुतमईन हो जाता है। नाराज तो नहीं होगी उस जुमले से आप? करते हैं लोग दौलत का नशा भी, ये जब नुकसान होता है तो बंदे बीमार नहीं हो जाते? पैसे डूब जाते हैं तो लोग बीमार नहीं हो जाते? तो इसका मतलब ये होता है कि नशा टूट गया है, अब बैक हुए ना थोड़े से तो कांपते हैं, तड़पते हैं, परेशान, नशा ही इसी तरह ही करता है ना, नहीं मिलता तो परेशान होता है। ये सारे नशे हैं, मुख्तलिफ किस्म का नशा, अब मानते नहीं इस बात को, तस्लीम नहीं करते, क्योंकि तस्लीम करना बड़ा मुश्किल काम है, उसके लिए तो बड़ी सारी चीजें जो है वो दबोच के और बड़ी सारे रस्ते फलांग के आना पड़ता है, तो बड़ा मुश्किल है मानना, वरना करते हैं हम, हमारा मिजाज है। ये घूमने फिरने का, दुनिया देखने का भी एक नशा है, ये बहुत सारी बातें करने का भी एक नशा है, गपशप का भी एक नशा है, दो चार लोगों की जब तक पगड़ियां ना खोल लें, बाज लोगों को नींद नहीं आती, ये गीबत का, चुगली का, बददियानती का, ये भी एक नशा है। इस पर मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह ने बड़ा कलाम लिखा है, वो कहते हैं मांग के खाने का भी नशा है, मांग के खाने का भी नशा है। वो कहते हैं कि एक भीख मांगने वाली खातून थी, तो बादशाह के पास भीख मांगने आई, तो बादशाह को पसंद आ गई, उसने शादी कर ली। अब उसको आदत थी भीख मांग के खाने की, तो वो कनीजों से कहा करती थी कि फटाफट ना रोटी लेके आया करो, मैं दो तीन दफा मांगू तो फिर लाया करो, क्योंकि एक नशा है ना, तो मैं मांगू दो चार दफा तो फिर। तो इंसान बहुत सारे नशे करता है, ये मानता नहीं, ये मोबाइल, ये फेसबुक, ये सारे नशे ही है, अपनी फोटो लगा लेना, सारा दिन उसी को देखते रहना। और बड़े बड़े सियाने बंदे जो वजादार हैं, बड़े वजादार लोग हैं, लेकिन वो भी संजीदगी के कायल नहीं, इस तरह के नशों का शिकार हैं। ये सारे नशे हैं जो हमने पाल लिए। हमारे सूफिया, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि तुम इस तरह करो, अगर सारे नशों से बचना चाहते हो तो सजदे का नशा शुरू करो, सजदे का नशा शुरू करो। ये ना इकबाल कहते हैं, हो अत्तार हो रूमी हो राजी, आबाद को समझे, अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। कहते बहुत बड़ा सूफी हो जैसे फरीदुद्दीन अत्तार थे, बहुत बड़ा तसव्वुफ का इमाम हो जैसे इमाम गजाली थे, बहुत बड़ा तफसीर का उस्ताद हो जैसे इमाम राजी हो। अत्तार हो रूमी हो राजी हो
गजाली हो पर कुछ हाथ नहीं आता, बे आहे सहरगाही। अगर सवेरे उठ के रोता नहीं ना अल्लाह की बारगाह में, अगर तहज्जुद नहीं ना पढ़ता तो कुछ हाथ नहीं आता, बे आहे सहरगाही। फिर इसको कोई चीज नसीब, मेरी बात की समझ आ रही है आप हजरात? जब तक आप सवेरे नहीं उठते आप अल्लाह अल्लाह नहीं करते, आपको नवाफल का चस्का नहीं, इबादत का मजा नहीं। फरमाया मेरी इबादत करो, ये शौक पैदा करो, मैंने तुम्हें पैदा किया है। हम लोगों के नशे मुख्तलिफ नशे, बड़ा अजीब रंग है। महफल की सदारत करने वाले बड़े पीर साहब, बड़े अलकाबा तो खो, बीच में से बंदा तलाश करने से भी नहीं मिलता, इतने बड़े लकब है उसके। लेकिन वो साज समर के ढाई घंटे बैठा रहा महफल में, और नमाज का वक्त आया तो उसने मुख्तसर सी पढ़ी, वो निकल गया, हल्के से सजदे किए। ओ इतना बड़ा इश्क रसूल नात का, ओ हो क्या बात है। और इश्क रसूल का बहुत बड़ा पैगंबर, बहुत बड़ा मुबल्लिग, और बेचारा समझ ही नहीं सका कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो नमाज पढ़ मेरी आंखें ठंडी हो जाएंगी। तो ये नशे के आदि तो हैं पर हकीकत के कायल नहीं है। ये बस ठीक है, ख्वाबों की दुनिया में लोग जिंदा हैं, पर जिनको ये जो नशा था ना इबादत का, ये मेरे रसूल पाक की चाहत है, ये मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की। आप देखें ना हुजूर महीनों महीनों जाके गारे हिरा में बैठते, क्या वहां तबलीग करते थे, कोई किताब लिखते थे? रसूल करीम अलैहिस्सलाम महीना महीना रहते गारे हिरा में, कोई ना मुझे देखे, कोई ना मुझे मिले, हुजूर यहां क्या है? फरमाया मैं अपने रब की इबादत करूंगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सजदों के साथ पत्थरों और पहाड़ों को आबाद कर दिया, सजदों के साथ। आपका सजदा आपको बहुत सारी चीजों से छुड़ा लेता है, ये बहुत सारी जगहों से झुकने से बचा लेता है। सूफिया औलिया ये क्या करते थे, ये सजदे का जौक ही तो पैदा करते थे, सजदे का जौक। शाह अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीदों से फरमाया करते थे कि अगर तुम पक्के नमाजी बन जाओ ना, तहज्जुद गुजार हो जाओ, तो मेरे पास आना जाना छोड़ देना। अर्ज की हुजूर क्यों? फरमाया मैं तुम्हारे और रब रसूल के रस्ते में रुकावट नहीं बनना चाहता, अब मेरा मकसूद है तुम्हें वहां तक पहुंचाना, जब पहुंच गए तो फिर मेरी जरूरत खत्म हो गई। हां कभी वसवस आए, शक पैदा हो, तकलीफ हो तो आना, वरना मैं नहीं चाहता कि मैं रुकावट बना रहूं। तुम अल्लाह अल्लाह करो, उस मालिक को राजी करो। मेरे रसूल पाक अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा अल्लाह के सबसे करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे की हालत में होता है। किसके करीब होता है? अल्लाह के सबसे करीब होता है वो। वो बड़ा नेड़े है रब के, बड़ा करीब है, इसलिए कि वो हालत है सजदा में। वो जब सजदे करता है ना उसकी बारगाह में जब झुक जाता है, आप जरा सजदे की कैफियत देखें ना, जुबान भी यहां है, आंख भी यहां है, कान भी, अकल भी सारी, इसने सारा कुछ रख दिया सजदे में। आप वो कभी पीछे जाएं तो देहातों में कहा जाता था नाक से नकीरें निकालो, बहुत बड़ी सजा होती थी ना, नाक से नकीरें निकालो बड़ी सजा होती थी। तो इसने कहा मालिक मुझे किसी ने कहा नहीं, पर देखना मैंने रख दी सारी अकल सजदे में, और रख के कहा क्या, सुभान रब्बी अल्लाह, अल्लाह मैं पस्त हूं तू आला, अल्लाह तू मेरा रब है और तू सबसे आला। इतना, और फरमाया जब ये इस कैफियत में होता है तो फिर ये अपने रब के करीब होता है। कसरत इबादत नवाफल, हमारे यहां उम्रे की कुरंदाजी महफिलों पे होने लग गई है, हालांकि हदीस से साबित नहीं। मैं दोस्तों से कहता हूं जायज है, करनी चाहिए, उम्रे की कुरंदाजी जायज है, पर किसी हदीस में नहीं आई कि कुरंदाजी करो उम्रा करो। हदीस में कुरंदाजी ये आई है कि नबी पाक सलाम ने फरमाया तुम्हें पता चल जाए ना पहली सफ का सवाब कितना है, तुम कुरानदाजी करो। उम्र की कुरानदाजी का तो पोस्टर छपता है, तो ये वाली कुरानदाजी कब होनी है? होनी चाहिए कि नहीं? हुजूर ने फरमाया तुम्हें पता चले कि इसका सवाब कितना, तो तुम कुरानदाजी करो, तुम कुरा डालो। जब आप नमाज पढ़ रहे होते हैं, जब आपका मुसल्ला आबाद होता है, सलाहुद्दीन अय्यूबी, एक बुजुर्ग से मुलाकात हो गई बैतुल मकदस पर, कब्जा था ईसाइयों का, तो
तो सलाहुद्दीन बड़े परेशान थे। वो बाबा जी कहने लगे, पुत्र क्या हुआ? कहने लगे, हुजूर पता चला है दुश्मन के दो बहरी बेड़े असला लेके आ रहे हैं। मुसलमान पहले ही कमजोर हैं, और अब अगर दो बहरी बेड़े और आ गए तो हुजूर मसला बन जाएगा। तो मैं परेशान हूं कि किस तरह ये कम मसले वाली हमारी फौज है, कैसे मुकाबला करेगी। तो बाबा जी कहने लगे, पुत्र इस तरह करना, आज रात तू भी दुआ करना और मैं भी करूंगा, तू भी दुआ करना, आप नाराज ना होना। हम तो पीरों वाले हैं, हम तो पीरों के नौकर गुलाम हैं, हमारा तो गुजारा ही नहीं, हमें तो मिलता है सारा कुछ वहां से। पर मेरा सवाल ये है कि तावीज़ लेने जाते हो, नफल क्यों नहीं पढ़ते, रात अल्लाह अल्लाह क्यों नहीं करते? ये भी तो हमारे बुजुर्गों का ही तरीका है, उन्होंने तो हमें सिखाया। सलाहुद्दीन अय्यूबी से बुजुर्गों ने कहा कि रात आज ना अल्लाह अल्लाह करना, तो मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, तू भी दुआ करना। तो बंदा जब दुखी होता है तो सजदा करता है, तो फिर ही तो मुसल्ला भीग जाता है, फिर ही तो मजा आता है। सुखी बंदा तो काबे जाके नहीं रोता। दुखी थे, तकलीफ थी, तो सर रखा सजदे में तो तड़प गए। और वो बाबा जी कहते हैं, मैं मस्जिद आया तो सलाहुद्दीन चीखे मार के रो रहा था और कह रहा था, मालिक मैं कोई अपनी शान के लिए तो नहीं ना लड़ रहा, अल्लाह को मैं कोई कोई कब्जों के लिए तो नहीं लड़ रहा, मालिक तेरे लिए लड़ रहा हूं, मुझे बेआबरू ना करना, मेरी मदद फरमाना। कहते मैं आया था कि मस्जिद में दुआ करूंगा, पर सलाहुद्दीन अय्यूबी को रोते देखा तो मैं लौट गया। तो सवेरे सलाहुद्दीन मिले तो बड़े खुश थे। मैंने कहा, पुत्र क्या हुआ? कहने लगे, हुजूर वो बहरी बेड़े दो आ रहे थे ना असला लेके, दोनों डूब गए पानी में, पानी में डूब गए। तो बाबा जी कहने लगे, सलाहुद्दीन वो पानी में नहीं डूबे, वो तेरे आंसुओं में डूब गए, वो गर्क हो गए, वो जो तूने मुसल्ला बात किया तो वो तेरे आंसुओं में डूब गए, वो गर्क हो गए, वो तबाह इतने कीमती थे तेरे आंसू के, बहा ले गए दुश्मन के बहरी बेड़ों को। मेरे भाई ठीक हो गया जी, मेरे अजीज समझ ले इस बात को हमेशा के लिए।